हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी यूडीसी मेंस का एग्जाम जितने भी स्टूडेंट आप सभी ने दिया था और फाइनली आप सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही थी कि भाई जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और मे बी अभी फर्स्ट वीक तो कम्प्लीट होने वाला है, आज 7 तारीख है। बट हाँ, अभी रिजल्ट का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ईएसआईसी स्टेनो का भी काफी इन्होंने डिले किया था और ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि सीएसटी और स्टेनो के स्किल टेस्ट की डेट लगभग सेम डे में यहाँ पे कंडक्ट होंगे, तो मे बी हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेनो के लिए थोड़ा सा टाइम देने में आपको कहीं ना कहीं हो रहा हो, क्योंकि यूडीसी का जो आरटीआई लगाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि 22 सितंबर तक ये पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा एग्जाम वगैरह का सब पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा 22 सितंबर तक। तो मे बी हो सकता है कि ये आपका खींच खींच के आपका 22 सितंबर तक आपका जाए, तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपकी आ जाती है बीच में जिसके कारण हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा हो। मे बी आप सभी को सारी चीजें पता भी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ये है कि आप अभी किस तरीके से पता लगा पाए कि भाई किस मेंस के लिए कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, और मेंस का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये पता लगाना होगा भाई कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली सीएसटी एग्जाम के लिए अलग अलग स्टेट्स में जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है एमटीएस का, उसने लगाया था, तो मैं आपको यूडीसी का मैं उसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसने किया क्या था। उसने अपने अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि भाई एमटीएस प्रीलिम्स में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसने दिया था और उसने पूछा था कि भाई सेक्शन वाइज मार्क्स उसके कितने हैं। तो मे बी अगर आप अभी लगाना चाहो तो अभी प्रीलिम्स के यूडीसी प्रीलिम्स के बेसिस पे लगा सकते हो कि मेंस में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, नहीं तो मेंस के रिजल्ट आने के बाद भी इस तरीके से लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट में, आपको सारे स्टेट नहीं पूछना, आपको एक पर्टिकुलर स्टेट चुनना है, वहां पर आपको ये पूछना है कि ओवरऑल कैटेगरी वाइज और टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं जो फाइनली मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, या मेंस का जब रिजल्ट है तो सीएसटी के लिए आप पूछ सकते हैं कि सीएसटी के लिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनली क्वालिफाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से ये चीजें पता लगा सकते हो। तो लेकिन आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट जो पर्टिकुलर उस रीजन से, उस स्टेट से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप अपने में कोऑर्डिनेशन एक बार कर लीजिएगा, और मे बी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसे स्टेट से जहां पर मुझे डालना चाहिए, तो आप मुझे भी उन स्टेट्स को ग्रुप में बता दीजिएगा, तो मैं उन स्टेट्स की ऑलरेडी डाल दूंगा, क्योंकि सारे स्टेट्स की डाल पाना फिर बार बार चेक करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो मे बी आप कुछ स्टेट्स की कर लीजिएगा, बाकी अदर स्टेट्स की आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ 5-6 स्टेट्स बता दीजिएगा मुझे भी, तो जिससे मैं भी उन स्टेट्स की आरटीआई डाल दूं। लेकिन ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप शेयर कीजिएगा, वहां पर आप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और उस ग्रुप में कहीं ना कहीं बाकी सारे स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट उन्हीं ग्रुप में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने मुझे ये शेयर किया, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल में भी होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी कोई भी अपडेट ऐसी रहती है तो मैं आपको ऑलरेडी बताता रहूंगा। लेकिन बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो चीज आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूडीसी एमटीएस अलग अलग, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मे बी आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली किसी एक में पास हो जाए फिर दूसरे में आप ना हो पाए। लेकिन आपका मेन मोटो एक है और आप को सभी के लिए, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि आप सेल्फिश होकर नहीं आप मुझे अपने लिए करना है, आप सभी के लिए कोशिश करिए, बाकी आप सभी अपने अलग अलग क्राइटेरिया में अपने अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में से जो डिजर्व करते हैं वो फाइनली डिजर्व करेंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ एक ही कहना है कि आप बस कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की, बाकी सब अपनी मेहनत पे छोड़ दीजिए, जो अपने अगर लगन से मेहनत करी होगी तो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ मेरा कहने का मतलब था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक सेल्फिश तौर पे सोचते हैं कि नहीं यार मैं पर्टिकुलर मैंने ये देखा है तो मैं आरटीआई रिप्लाई शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा अगर आप नहीं भी करते हो तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए एक थैंकफुल रहेंगे और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थैंकफुल रहेंगे। मैं ऑलरेडी कोई भी आरटीआई कोई स्टूडेंट शेयर करता है मैं उसका नाम जरूर बताता हूँ, जिससे जो स्टूडेंट वो वीडियो देख रहा है उसको भी एक अपने आप में फील हो कि नहीं हाँ सर ने मेरा नाम लिया। तो वोट ऑफ थैंक्स तो अभी अमित को ही जाता है, और मैंने पिछली वीडियो में भी एमटीएस वाले ने बताया था, तो यूडीसी वालों के लिए भी एक उन्होंने एक रास्ता बताया कि नहीं सर इस तरीके से आपका हो सकता है,
आप सभी कोशिश करिए, बाकी आप मुझे अगर कुछ लगता है कि नहीं यार इन डिटेल्स की डालनी चाहिए मुझे मुझे वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में अगर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगी। एक और चीज, यूडीसी का जैसे रिजल्ट आएगा रैंक लिस्ट आपको फटाफट से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टॉपर हैं और उनकी रैंक जो ओवरऑल उस कैटेगरी ओवरऑल रैंक जो है वो आपकी क्या है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीजें मिलेंगी।